अब देखो, ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये आपका चार तरह की होती है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हम वन बाय वन इसको समझते हैं। तो पहली पहली जो कोडिंग होती है उसको बोलते हैं लेटर कोडिंग, और जो दूसरे नंबर की कोडिंग होती है उसे बोलते हैं नंबर कोडिंग, तीसरे नंबर की जो होती है उसे बोलते हैं मिक्स कोडिंग, और जो चौथे नंबर की कोडिंग होती है उसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो इन चारों में से भी आपको कोई ना कोई एक टाइप जो है पेपर में आ जाएगी। तो पहले इसके टाइप समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे आपको लेटर में दिया हुआ है कि कोडिंग जो उसने लिखी है, कि कोडिंग का जो कोड है CODING, कह रहा है कोडिंग का कोड जो है DPEJOH है। तो कह रहा है कि डिकोडिंग का कोड क्या होगा, इसका हमें कोड बताना है, और हमें जो है चार ऑप्शन फिर दिए होंगे। तो जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, जल्दी से आपने अपनी कॉपी पे ABCDE लिख लेनी पूरी जेड तक। PQRSTUVWXYZ ये लिख लिया। पांच पांच की फॉर्म में इसलिए लिखा है, थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। जैसे हमें पता लग जाता है यहाँ से ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, 22, डी वाई का 25 है। तो आगे पीछे एक करके हम जल्दी से याद कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सी के बाद डी लिखा है, मतलब प्लस 1 है। ओ के बाद देखो पी प्लस 1 लिखा है, डी के बाद फिर 1, आई के बाद जे लिखा है, एन के बाद ओ लिखा है, मतलब सब में प्लस प्लस 1 हो रहा है। तो आप जो है डिकोडिंग का कोड क्या करोगे, सब में एक एक प्लस करके लिख दोगे। डी के आगे एक प्लस करोगे तो ई आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, उसके बाद सी के बाद डी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, और एन के बाद ओ आ जाएगा, और जी के बाद में आपका एच आ जाएगा। तो हमने सब प्लस प्लस करके लिख दिए। तो मतलब हमें पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको देखना है कि उसमें क्या पैटर्न है, और सेम पैटर्न हमने जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें लगा देना। तो अभी तो यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस 1 हो रहा था, कभी जो है आपका माइनस 1 होगा, कभी आपका प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा, कभी आपका जो है क्रॉस में होगा। जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं बैट, और इसकी अकॉर्डिंग यहाँ लिखी होगी, इसकी कोडिंग यहाँ लिखी होगी, और इसकी कोडिंग यहाँ लिखी होगी। तो आपसे पूछेगा मैट का कोड बताओ, तो आप भी इसकी कोडिंग यहाँ लिख देना, इसकी कोडिंग यहाँ लिख देना, इसकी कोडिंग यहाँ। तो इस तरह का जो आपको क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग में आ सकता है, इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। लेटर का मतलब क्या हुआ, आपको जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी है, सब ABCD दी होगी उसमें, और ABCD के हिसाब से जो है आपने सारे क्वेश्चन कर लेने। अब अगले पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम नंबर कोडिंग। अब देखो नंबर कोडिंग, जैसे इसके नाम में ही है नंबर, तो अब जो ABCD है हम जानते हैं इसमें कि इसमें 26 लेटर होते हैं, तो हर लेटर का एक एक नंबर होगा, और उस नंबर के ऊपर जो है पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ए का कोड 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब जैसे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है कि दिल्ली का कोड जो है 73541 है, और कैलकाता का कोड जो है 8258962 है। तो आपसे कह रहा है कैलीकट का कोड बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है बस हमने देख देख के लिख देना है। इसमें नंबर का यूज बहुत कम किया है, अल्फाबेट का। जैसे यहाँ पे देखो सी का कोड 8 दिया है, तो आप भी यहाँ 8 लिख दो। ए का कोड यहाँ 2 दे तो यहाँ 2 लिख दो। एल का 5 है, यहाँ 5 लिख दो।
और आई का कोड यहाँ पे वन दिया है तो आप जो है वन लिख दो। सी का कोड फिर से आठ है, यू का कोड आपका ये रहा, ये यू का कोड है तो यहाँ पे लिख दो नाइन, और टी का कोड आप सिक्स दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा 8251896। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये अल्फाबेट के नंबर है उनसे का यूज नहीं हुआ, उसने अपने नंबर दे दिए। लेकिन कभी कभी होता है जैसे आपको दे देगा कि बैट का कोड जो है आपका बैट का कोड जो है 23 है तो मैट का कोड बताओ क्या होगा। अब आपको पता है बी का कोड 2 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का 20 होता है, तीनों को उसने जोड़ के लिखा हुआ है 20 और 2 22 और 21। तो आप भी मैट का कोड लिख दो। मैं एम की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 13, ए की 1 और टी की 20, तो इसको आप जोड़ लो तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 34। तो आपका आंसर आ गया 34। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ना इसको मैनिपुलेट कर देता है कि बैट का कोड जो है 46 है, ये डबल कर दिया तो आप भी इसका डबल कर दो, आपका आंसर 68 आ जाएगा। तो इस तरह की जो है कोडिंग को हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। तो अब तक हमने दो की, एक हमने की आपकी जो है लेटर, उसमें लेटर की बात हो रही होती है, एक हमने की आपकी नंबर, उसमें ए बी सी डी के नंबर की बात होती है। तो अभी तो ये नंबर वाला हमें बड़ा आसान लग रहा है, हमने कर लिया जल्दी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को ना पीछे से नंबरिंग कर लेते हैं वो, मतलब जेड अभी जो है हमारा 26 है वो उनके लिए जेड फिर 1 हो जाएगा और ए जो है उनका 26 हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है। तो ये हमें प्रैक्टिस से समझ लगेगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। अब हम अगली कोडिंग करते हैं जिसका नाम है मिक्स कोडिंग। अगली कोडिंग करते हैं जिसका नाम है आपकी मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो पीओडी एन ए जे ओ सी का कोड दिया है वेरी ब्राइट बॉय, टी एम एन यू पी ओ डी का कोड दिया है द बॉय कम्स, एन यू पी आर टी ओ एन का कोड दिया है कीप द डॉल, और जे ओ सी टी ओ एन एस यू का कोड दिया है वेरी गुड डॉल। अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ ब्राइट का कोड क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राइट लिखा हुआ है, तो ये नहीं है कि पी ओ डी एन ए जे ओ सी लिखा है तो ब्राइट का कोड एन ए हो जाएगा, बीच बैरी बैरी का कोड पी ओ डी और ब्राइट का एन ए और बॉय का जे ओ सी हो जाएगा। इतना ही आसान होता देख के लिखना होता तो क्वेश्चन क्यों बनाते। आपने क्या करना है, जो बैरी ब्राइट बॉय है उनमें पी ओ डी एन ए जे ओ सी में से कोई भी कोड बैरी ब्राइट बॉय का हो सकता है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो इस लाइन में आपका बैरी दिया हुआ है और लास्ट लाइन में आपका बैरी दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि बैरी का जो कोड है ओरिजिनल कोड सोर्स कोड वो भी कॉमन होगा। तो इनमें देख लो क्या कॉमन है, पहली लाइन में और चौथे में पी ओ डी एन ए जे ओ सी और इसमें दिया है जे ओ सी टी ओ एन एस यू, मतलब जे ओ सी दोनों में है, बैरी बैरी दोनों में है तो बैरी का कोड हो गया आपका जे ओ सी, कॉमन कॉमन देख लिया। अब चलते हैं बॉय पे, बॉय पहली लाइन में है और आपका बॉय दूसरी लाइन में है तो इन दोनों में भी कोड भी कोई ना कोई कोड कॉमन होगा, जैसे यहाँ लिखा है पी ओ डी एन ए जे ओ सी और यहाँ पे लिखा है टी एम एन यू पी ओ डी, तो देखो पी ओ डी एन ए जे ओ सी टी एम एन यू पी ओ डी, मतलब यहाँ पे जो है आपका कोई भी कोड कॉमन नहीं बन रहा है, हाँ पी ओ डी कॉमन बन रहा है, पी ओ डी पहले में भी और पी ओ डी दूसरे में भी, तो बॉय का कोड हो गया आपका पी ओ डी। तो अब बचा क्या आपका, आपका बच गया एन ए, तो ऑब्वियस ही बात है कि एन ए जो है आपका ब्राइट का कोड हो जाएगा। तो ये कॉमन देख देख के हम जो है कोडिंग डिकोडिंग इस तरह की निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग। अच्छा इसको मिक्स क्यों बोला, अब आप कहेंगे यहाँ तो लेट बर्ड की जगह बर्ड दिए हैं, तो इसमें कभी कभी नंबर भी डाल दिए जाते हैं, ऐसा सीट में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, तो इसको मिक्स बोलते हैं। अल्फाबेट नंबर बर्ड सब इसमें मिक्स होता है, किसी का भी क्वेश्चन बना देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूट जैसा नाम ही है इसका, सब्स्टिट्यूट एक की जगह दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूट, तो इस टाइप का भी ये जो है सी सेट का फेवरेट है और पीसीएस का फेवरेट है, इस तरह का आता है। क्योंकि देखो इसमें हम सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में होता क्या है, हम जो है एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसमें ऑफिसर का रोल प्ले करने का मतलब क्या होता है,
ब्रेन स्टॉर्मिंग, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी यहाँ पे करियर में, और हमको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, बढ़िया चैप्टर आता है फिर पेपर में। देखो यहाँ पे दिया है व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, मतलब व्हाइट को ब्लू कहेंगे, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को रेड कहेंगे, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को येलो कहेंगे, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, येलो को ग्रीन कहेंगे, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन को ब्लैक कहेंगे, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट को ग्रीन, ब्लैक को वॉयलेट कहेंगे, वॉयलेट इज कॉल्ड रेड, ऑरेंज वॉयलेट को ऑरेंज कहेंगे। कह रहा है व्हाट कलर इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमें पता है ह्यूमन ब्लड किस तरह का होता है, ह्यूमन ब्लड रेड कलर का होता है, लाल रंग का। तो रेड को वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो रेड को क्या कह रहा है, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो येलो, रेड जो है वो येलो है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। येलो तो ये इस तरह के आपके चार तरह के कोडिंग डिकोडिंग होती है, और इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल सकता है। तो जो सबसे टफ पड़ती है वो लेटर कोडिंग ही पड़ती है, उसमें पैटर्न समझना पड़ता है बस, के प्लस वन जोड़ रहा है या फिर सब में, या फिर सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ रहा है कुछ, या फिर एक प्लस, या फिर एक माइनस, एक प्लस एक माइनस ऐसे कर रहा है, या फिर क्रॉस में एडिशन किया हुआ। ये सबसे टफ है, ये लोगों को एग्जाम में समझ नहीं आता क्रॉस वाला, या फिर आगे से मतलब ऐसे दिया हो सकता है, जैसे एबीसी का कोड जो है आपका 1 2 3 है, या फिर ऐसे दे सकता है 26 25 और 24 है, तो DEF का कोड क्या होगा, तो ये पीछे से काउंटिंग चल रही है, तो आप भी यहाँ पे पीछे से कोड लिख दो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ते हैं करना, तो इनको जो है अच्छे से आपको करना है एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, और आप मुझे एक्सरसाइज करके साथ साथ उसके आंसर बताते जाना। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिटन एज EHRG, तो जंगल का कोड क्या हो, तो आपने ये क्वेश्चन बताया। तो यहाँ पे देखो आप क्या है कंसेप्ट, ABCD के हिसाब से F का E लिखा है, मतलब एक माइनस की है, माइनस वन, पोस्ट फोर्थ आ रहा है, ओके वेरी गुड। पोस्ट वाला आई को उसने जो है फिर से एक माइनस आईपीएम माइनस एक लिखा है, एस में भी एक माइनस वन किया है, एच में भी माइनस एक किया है, तो आप जो है जंगल में माइनस एक कर जाओ, जे का एक पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा, आई, जे का एक पीछे आई जे होता है तो आई आ जाएगा, एक पीछे जाएंगे। उसके बाद में यूपी आई के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब ये भी हो सकता है, तो आई का IT सेम है तो तीसरे पे चले जाओ सीधे, एन का कोड, एन से पीछे आओगे तो क्या आ जाएगा, एम, तो सीधे आपका पहला पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते जाना है, तो चलो आप जो है दूसरा ट्राई करो।